हाय गाइस, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीश टिप्स एंड ट्रिक्स। तो स्वागत है आपको हमारे नए ब्लॉग सेक्शन में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रांची के निगम पार्क। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, फिर से मैं आपको इसकी ब्लॉग दिखाने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे लाइट वगैरह लगाया गया है, बहुत सारे झूला है वो लगाए गए हैं, तो जो पहले इसमें नहीं थे, इसलिए मैं आपको इसकी ब्लॉग दोबारा दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी निगम पार्क के बाहर का प्लेस है वो, तो यहाँ पे पार्किंग का प्लेस है और इधर टॉयज वगैरह मिल रहे हैं, उधर देखिए कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं हमारे बैग में, और ये है निगम पार्क के बाहर का नज़ारा, और इधर है देखिए आइसक्रीम कॉर्नर, यहाँ पे आइसक्रीम मिल रहा है, ये भी है निगम पार्क के बाहर का नज़ारा। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी शाम के 7 बज गए हैं, रात हो गई है, तो 8 बजे तक खुली रहती है। और इस साइड भी देखिए बहुत सारे चीज़ें मिल रही खाने की, जैसे पानी पूरी एंड पॉपकॉर्न, जिसे देख कर ना मुँह में पानी आ जाता है। तो अभी मैं नहीं खा रही हूँ पानी पूरी, अभी मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ, तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ और आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये रही अंदर की नज़ारा, तो देखिए यह निगम पार्क बहुत खूबसूरत दिख रही है, इसमें लाइटिंग वगैरह लगाया गया है। तो गाइज अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे छोटी सी फव्वारे देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी दिख रही है और इसे टच करने में ना बहुत ही मज़ा आता है, तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, छोटी सी है पर बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और इस साइड भी झूला है बैक में मेरे, देखिए इस तरफ है झूला, बच्चे हैं बड़े हैं वो सभी इसमें झूला झूल रहे हैं, तो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ और मैं अभी इस तरफ जा रही हूँ। तो गाइज इसमें झूलने में बहुत ही मज़ा आता है, मैं यहाँ पे झूला नहीं झूल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें चक्कर आता है। देखिए बहुत ही अच्छा है ये, और इस साइड भी है झूला राउंड वाला, तो यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पे बस एक आदमी है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बैठ करके। गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए ताकि न्यू ब्लॉग आपको देखने को मिले। ये रही मशरूम घर, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठने की प्लेस है, और इस साइड में लाइटिंग वगैरह दिया हुआ है। और मैं आपको आगे की तरफ बढ़ के इसकी नज़ारा दिखाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज ये रही जम्बोलिन, यहाँ पे बच्चे लोग हैं वो जा कर के मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे बहुत सारे मर्द भी है क्योंकि बारिश के दिन है, तो ये भी बहुत अच्छे है बच्चे के लिए, तो बच्चे आ कर के यहाँ पे मस्ती करते हैं और बहुत सारे बच्चे है वो मस्ती कर रहे हैं। और इस साइड भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, इस साइड में जम्बोलिन है और यहाँ पे देखिए लेक है छोटी सी और बहुत ही अच्छी दिख रही है लेक है वो, और मौसम भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, लाइटिंग की वजह से बहुत अच्छी दिख रही है। तो गाइज आपने इस तरफ जम्बोलिन को देखा, यहाँ पे छोटी सी झील और यहाँ पे है स्टेज है जहाँ पे बच्चे लोग हैं वो डांस वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं है अभी अवेलेबल, और बारिश भी हुई थी जिसके कारण से पार्क बहुत खाली खाली है। और इस साइड है बच्चे को झूलने के लिए, आप देख सकते हो स्लाइडिंग वगैरह है, तो बारिश के कारण गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत कम है और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए बहुत लोग है वो चले गए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे के लिए ना जो राउंड वगैरह है उसको, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठे हैं, बहुत कम है, 2-3 है, लेकिन बच्चे के लिए ना ये वाला बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं बच्चे के लिए है, और आपके बच्चे आएंगे ना तो इसमें बैठेंगे और उन्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये निगम पार्क की जो चौन वाली राउंड वो बहुत अच्छी है बच्चे के लिए, तो आप भी इस पार्क में आ सकते हैं अपने बच्चे को लेकर के और मस्ती कर सकते हैं। पहले निगम पार्क में लाइटिंग वगैरह नहीं थी, अभी इसमें लाइटिंग वगैरह लगा दी गई है, इसलिए इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
इस साइड भी है बैठने की प्लेस है, आप वहाँ पे जा कर के बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग है। और मेनली निगम पार्क है ना, वो बच्चों के लिए है, बड़े के लिए नहीं है। लेकिन पेरेंट्स वगैरह है जो दोस्त लोग के साथ तो आ ही सकते हैं और अपने बच्चे के साथ आते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बोटिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे बोटिंग कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है लाइटिंग के वजह से। और बच्चे हैं वो यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं। और इस साइड है झूला जहाँ पे आप जा नहीं सकते। गाइज अगर आपको मजा आ रहा है देख करके यहाँ का नज़ारा तो आप आ सकते हैं, लेकिन मैं फाइनली यहाँ पे नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे मड है, तो यहाँ पे मैं नहीं जाने वाली हूँ। अगर आपको आना है तो आप आ जाइए हमारे साथ। और इस साइड में है जिम, जिम करने का स्पेस है। मैं आपको दूर से ही दिखा दे रही हूँ क्योंकि उधर भी बहुत सारे मड है बारिश के कारण, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ अभी। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की सीटिंग प्लेस। यहाँ पे जो भी घूमने आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, केक वगैरह काटते हैं, यहाँ पर बैठकर पिकनिक मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो केक कटिंग करके खा पी करके छोड़ करके चले गए हैं। और इस पार्क में ये चीज़ है कि सिर्फ 10 रुपये की टिकट मिलती है, बहुत ही सस्ती पार्क है, सिर्फ 10 रुपये की टिकट मिलती है। और इतने सारे चीज़ें हैं वो अंदर में बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। तो इस पार्क में आकर आपके पैसे है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे सभी चीज़ों को फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। इस साइड में जिम वगैरह है तो आप यहाँ पे जिम भी कर सकते हैं। अभी पूरा खाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है वो बारिश हुई है, जिस कारण से सभी जो जिम वगैरह है वो खाली है।